गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम दादी माँ कहानी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये देखिए, घटना के बारे में जिक्र हो रहा है। वे कौन थी? रामी की चाची थी। आगे, सोना होगा धन्नो, रुपए मय सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद करके बताया है कि एक बार उन्होंने किसी को कर्जा दिया था और वे उनसे कर्जे के पैसे सूद के समेत वापस मांग रही थी। आगे, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने वेवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। इस प्रसंग में लेखक ने अपनी दादी की उदारता का वर्णन किया है कि वे किस तरह पहले रामी की चाची को जब पहले पैसा उधार देती हैं तो उन पर बहुत नाराज होती हैं कि वे उनका पैसा कब लौटाएंगी, आजकल करती रहती हैं। लेकिन बाद में जब धन्नो चाची ने उन्हें स्वयं बताया कि दादी माँ ने उनको दिया हुआ पैसा सारा माफ कर दिया है और ऊपर से 10 रुपए अलग से दिए कि उनकी बेटी की शादी अच्छी तरीके से हो जाए, तो इस बात से लेखक अपनी दादी माँ के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश हो गए। उस रोज